गुड मॉर्निंग। टुडे माय टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म यूज लाइट एनर्जी टू मेक शुगर एंड ऑक्सीजन गैस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यू नो वेरी वेल इन फोटोसिंथेसिस। ये देखिए एक डायग्राम शो किया गया है, इसमें आप देखिए तो एनवायरनमेंट से CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये ग्रीन प्लांट्स की एक लीफ यहाँ शो की गई है। तो ये ग्रीन प्लांट्स की लीव्स यानी जितने भी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को लेते CO2 को लेते हैं और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में यहाँ पर CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करती है और यहाँ पर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में ही पॉसिबल है, उसका कारण कि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एज आर सम बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट। आप जैसा जानते हैं कि ज्यादातर जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं सारे वही प्लांट्स वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया और कुछ प्रोटिस्ट ग्रुप में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो भी क्या है फोटोसिंथेटिक करने में कैपेबल होते हैं। तो हर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में ये कैपेसिटी है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ऑटोट्रॉप्स जनरेट देयर ओन ऑर्गेनिक मैटर थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो जितने भी ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म हैं ये अपना ऑर्गेनिक मटेरियल खुद बना सकते हैं क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी होती है। सनलाइट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो इसमें फोटोसिंथेसिस में यहाँ पर सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इंग्रेडिएंट्स एंड कंपोनेंट्स। ये ग्रीन प्लांट्स है, इसकी लीफ यहाँ शो की गई है। इसमें देखिए एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में एब्जॉर्ब की, ये सनलाइट यहाँ पर लाइट एनर्जी ली गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड लाइट के प्रेजेंस में लीफ आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट है और वाटर यहाँ पर सोइल से रूट ने एब्जॉर्ब किया और ये ऊपर की तरफ वाटर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो गया। तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल, इन सब की प्रेजेंस में यहाँ पर लीफ क्या कर रही है, एक शुगर का फॉर्मेशन कर रही है। तो ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए फोटोसिंथेसिस के। तो फोटोसिंथेसिस में इनमें से अगर एक की भी एब्सेंस हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए इन सभी इंग्रेडिएंट्स की प्रेजेंस एसेंशियल है, आवश्यक है। फोटोसिंथेसिस का मेन पर्पस क्या है, फूड चेन मेंटेन करना। एनवायरनमेंट में इससे फूड चेन मेंटेन होती है। आप देखिए ये ग्रासेस है, ग्रासेस ये ऑटोट्रॉप्स में है तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इनके ऊपर देखिए ये इंसेक्ट इन पर डिपेंड है और इस इंसेक्ट को ये रेड खा रहा है, ये देखिए स्नैक एंड देन ये। तो इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट में फूड चेन और फूड वेब को बैलेंस किया जाता है। तो ये बैलेंस करने के लिए ये एसेंशियल प्रोसेस है। आपने ये फूड वेब पढ़ा है इकोलॉजी में, तो कई अगर फूड चेन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाए किसके लिए, सिर्फ फूड के लिए, तो इसको हम फूड वेब कहते हैं। व्हाई आर प्लांट्स ग्रीन, ग्रीन प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं, ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड विजिबल लाइट। तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स शो हो रहे हैं यहाँ पर। डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट्स आर सीन बाय द ह्यूमन आईज एज डिफरेंट कलर। जैसा ये देखिए यहाँ नीचे आप ये एक स्ट्रिप देख रहे हैं, इसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर वेवलेंथ शो की गई है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं जिसको हमारी आईज जो है ना उसको इजीली विजिबल कर सकती है। तो ये देखिए ये क्या है, ये जैसे 380, 400, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है और हर वेवलेंथ पर एक डिफरेंट डिफरेंट कलर शो हो रहा है। तो हमारी आईज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को क्या करती है, विजिबल कर सकती है। तो ये कैपेसिटी होती है। सब्सटेंसेस दैट एब्जॉर्ब
pigment, what is pigment? Substance that absorb visible light. Different pigments absorb light of different wavelength. तो वे सब्सटेंस जो लाइट विजिबल लाइट को क्या कर सकते हैं, वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं आसानी से. और डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ. तो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स को डिफरेंट पिगमेंट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. तो हर पिगमेंट्स को की जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है. कलर वी सी इज द कलर मोस्ट रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड बाय द पिगमेंट. तो जो कलर हम कौन सा कलर देखते हैं, हमारी आईज कौन सा कलर देखती है, वो कलर देखती है जो कि रिफ्लेक्ट होता है. जो कलर रिफ्लेक्ट होगा उसी को हमारी आईज जो है विजिबल करती है. ये पिगमेंट का एक बेसिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए का यहाँ पर डायग्राम शो किया गया है. इसमें देखिए केमिकल स्ट्रक्चर है इसका पूरा. ये ऊपर का देखिए और ये नीचे ये टेल वाला रीजन होता है, इसको हम फाइटोल टेल कहते हैं. ये देखिए और सेंटर में ये मैग्नीशियम होता है. ये तो मैग्नीशियम की प्रेजेंस की वजह से इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है. पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन ओनली पिगमेंट दैट कैन पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन फोटोसिंथेसिस. तो क्लोरोफिल ए जो है ये एक ऐसा पिगमेंट है जो सीधे फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है. एसेसरी पिगमेंट्स कौन से हैं, एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर इट टू क्लोरोफिल ए. वे पिगमेंट जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करते हैं, इन्हें हम एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं. क्लोरोफिल बी इसका कलर होता है येलो ग्रीन. कैरेटिनोइड्स वेरियस शेड्स ऑफ येलो एंड ऑरेंज. तो येलो और ऑरेंज के अलग अलग शेड होते हैं, वो कैरेटिनोइड्स पिगमेंट होते हैं. जेंथोफिल्स जो होते हैं पर्पल कलर के होते हैं. एंथोसाइनिन जो है ये येलो कलर का पिगमेंट होता है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स हैं जो बेसिकली जो क्लोरोफिल ए है ये मेन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है. बाकी दूसरे पिगमेंट्स का वर्क क्या है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करते हैं. तो इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर इसमें मैंने बताया, जैसे क्लोरोफिल भी कैसा है, येलो एंड ग्रीन कलर. कैरेटिनोइड इनमें येलो और ऑरेंज कलर के डिफरेंट वेरियस शेड्स होते हैं इनके. जेंथोफिल पर्पल कलर का होता है और एंथोसाइनिन जो होता है ये येलो कलर का होता है. पार्ट्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स. नंबर वन थाइलेकोइड्स, फ्लैटेंड सैक पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस लोकेटेड इन देयर मेम्ब्रेन. तो जितने भी पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस के जितने भी पिगमेंट होते हैं वो मेनली इसकी मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं. और ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक फ्लैटेंड, फ्लैटेंड मतलब एक चपटा सा स्ट्रक्चर होता है ये. तो ये एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है थाइलेकोइड. तो इसकी मेम्ब्रेन में बेसिकली सारे के सारे फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट पाए जाते हैं. ग्रेना क्या होता है, देखिए ये देख रहे हैं, ये एक के ऊपर एक जैसे कॉइंस अरेंज्ड कर दिए गए हैं तो इनको हम ग्रेना कहते हैं. देखिए ग्रेना, स्टेक्स ऑफ थाइलेकोइड्स, स्टेक्स ऑफ कॉइंस, स्ट्रोमा इंटीरियर पोर्शन. अब इन दोनों के बीच का जो पोर्शन होता है ये स्ट्रोमा कहलाता है. तो यहाँ पे ग्रेना तो क्या होता है, स्टेक्स ऑफ थाइलेकोइड्स, ये एक के ऊपर एक जो ये अरेंज्ड है यहाँ पर देखिए, जो स्टेक्स ऑफ थाइलेकोइड्स होता है उसको हम ग्रेना कहते हैं. बाकी इसका जो रिमेनिंग बीच का पार्ट होता है इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं. थाइलेकोइड्स ये कंप्लीट हो गया, ग्रेना रिपीट हो रहा है, थाइलेकोइड्स फ्लैटेंड सैक पिगमेंट्स ऑफ लोकेटेड इन स्ट्रोमा. ये बार बार रिपीट हो रही है चीज इसमें. ये डायग्राम क्लोरोप्लास्ट का, ये देखिए एक फ्लैट स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट. ये स्टैक्स हैं इसमें थाइलेकोइड्स के जिनको हम ग्रेना कहते हैं और बीच में स्ट्रोमा प्रेजेंट है. ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है, ये स्टोमेटा शो किया गया है और स्टोमेटा के थ्रू यहाँ CO2 एंटर कर रही है और ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो रही है. तो ये ग्रीन प्लांट्स की लीव्स है, उसका मेसोफिल टिश्यू है. तो मेसोफिल टिश्यूज में क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है आपको पता है और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होते हैं तो गैसेस एक्सचेंज इजीली हो जाता है. तो यहाँ पर मेसोफिल सेल्स पार्टिसिपेट करती है फोटोसिंथेसिस में. एन ओवर व्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस है बेसिकली लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो में डिफ्रेंशिएटेड होता है. नंबर वन लाइट रिएक्शन, द लाइट रिएक्शंस कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. तो लाइट रिएक्शन में क्या वर्क होता है, देखिए सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है
और इसमें प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, एटीपी और एनएडीपीएच। तो लाइट रिएक्शन का मेन वर्क यही है कि इसमें सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और एटीपी और एनएडीपीएच का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। द केल्विन साइकिल मेक्स शुगर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो केल्विन साइकिल में क्या होता है, शुगर्स की जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से यहाँ पर बनती है। एटीपी जनरेटेड बाय द लाइट रिएक्शन, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि लाइट रिएक्शन में एटीपी का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी फॉर शुगर सिंथेसिस, और एनर्जी प्रोवाइड की जाती है शुगर सिंथेसिस के लिए। तो एटीपी का मेन वर्क ही यही है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है क्योंकि ये हाई एनर्जी कंपाउंड है। द एनएडीपीएच प्रोड्यूस बाय द लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन के थ्रू जो मेन प्रोडक्ट्स बनते हैं, नंबर वन एक तो एटीपी जनरेट होता है, दूसरा एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। एनएडीपीएच प्रोड्यूस बाय द लाइट रिएक्शन प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रॉन फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज। तो देखिए ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए तो यहाँ पर CO2 का रिडक्शन जरूरी है, तो रिडक्शन के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का डोनर का वर्क कौन करता है, वो करता है NADPH। NADPH क्या करता है, ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन डोनर का वर्क करता है और ये CO2 को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जिससे यहाँ पर CO2 का रिडक्शन होता है और फाइनली यहाँ पर शुगर का फॉर्मेशन होता है। तो लाइट रिएक्शन में एटीपी जनरेट होती है और NADPH का फॉर्मेशन होता है, बट केल्विन साइकिल में क्या होता है कि ये जो NADPH है ये CO2 को क्या कर रहा है, रिडक्शन कर देता है, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देता है यहाँ पर, और CO2 का यहाँ रिडक्शन होने की वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। रिव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस, द रिएक्टेंट्स मेनली, इसमें रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। रिएक्टेंट्स का मीनिंग होता है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक। तो रिएक्टेंट्स CO2 एंड H2O, तो यहाँ पे वाटर और CO2 मेन रिएक्टेंट्स होता है। ड्राइविंग द रिएक्शन, रिएक्शंस किसके थ्रू यहाँ पर होती है, वो है सनलाइट, बिना सनलाइट के पॉसिबल नहीं है। और प्रोडक्ट्स क्या होता है, मेन उत्पाद क्या है इसमें, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो मेन प्रोडक्ट्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है। सनलाइट कैप्चर्ड बाय पिगमेंट्स, तो देखिए यहाँ पे क्लोरोफिल और अदर पिगमेंट्स है जिसके थ्रू सनलाइट को कैप्चर कर लिया जाता है। पिगमेंट्स लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, जैसे अभी हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा था, तो पिगमेंट्स जो होते हैं बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, वहां पर उपस्थित होते हैं। ये सेम डायग्राम देखिए, ये लाइट एनर्जी देखिए एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में, ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ये ट्रांसमिटेड लाइट है, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। तो क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट टू केमिकल एनर्जी। तो क्लोरोप्लास्ट जो है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल्स इन सर्टेन प्लांट्स। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस मेनली क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और ये एक ऑर्गेनेल है जो कुछ प्लांट्स में पाया जाता है। All green plants parts have chloroplast and carry out photosynthesis. तो जितने भी plants के green parts होते हैं उन सभी में chloroplast पाया जाता है और उन सभी में photosynthesis process complete होता है। The leaves have the most chloroplast. और basically plants में जो leaves वाला part है उसमें सबसे ज्यादा chloroplast पाए जाते हैं। The green color comes from chlorophyll in the chloroplast. तो क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रीन कलर आता है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से आता है। द पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, पिगमेंट्स का मेन वर्क है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। तो जितने भी ग्रीन प्लांट पार्ट्स है उन सभी में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। फोटोसिस्टम क्या होता है, फोटोसिस्टम इन द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड। तो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में कंटेन सेवरल हंड्रेड मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी along with accessory pigments। तो देखिए वहां पर जो thylakoids की membrane है यहाँ पर 100 से भी ज्यादा molecules chlorophyll A और B के पाए जाते हैं और साथ में कुछ accessory pigments भी पाए जाते हैं। Named by the wavelength of light they absorb 680 and 7 P and 700। तो ये ज्यादातर P680 और P700 तक की वेवलेंथ वाली लाइट को ये अब्सॉर्ब करते हैं।
तो फोटोसिस्टम की अगर हम डेफिनेशन देते हैं तो फोटोसिस्टम क्या है, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल ए और बी के कई सारे 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और साथ में कुछ ऐसे ऐसे पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। और इन फोटोसिस्टम में डिफरेंट लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है और उसकी वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो P680 और P700 होती है। ये टू फोटोसिस्टम इन्होंने यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है। तो टू टाइप्स ऑफ फोटोसिस्टम कॉपरेट इन द लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में मेनली दो तरह के फोटोसिस्टम्स पार्टिसिपेट करते हैं, फोटोसिस्टम वन एंड फोटोसिस्टम सेकेंड। ये देखिए फोटोसिस्टम सेकेंड रिमेन्स इलेक्ट्रॉन्स बाय स्प्लिटिंग वॉटर लिविंग ऑक्सीजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, वॉटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग होती है। जब वाटर स्प्लिट होगा तो ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज होगी। तो वाटर की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन का रिलीज होना मेन इसका वर्क है। देखिए ये फोटोसिस्टम सेकंड यहाँ पर शो किया हुआ है, इसमें देख रहे हैं P100 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाला है। तो ये जब लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ये देखिए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसमें गया, इससे फिर ये देखिए ऊपर इलेक्ट्रॉन जाता है और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन देखिए डिफरेंट डिफरेंट साइटोक्रोम से होता हुआ ये देखिए फोटोसिस्टम फर्स्ट में जा रहा है। तो दो तरह के फोटोसिस्टम है, फोटोसिस्टम सेकंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट। तो फोटोसिस्टम फर्स्ट से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड होते हुए देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है बीच में, इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइटोक्रोम्स होते हैं और इन साइटोक्रोम से ये इलेक्ट्रॉन पास आउट होता हुआ फोटोसिस्टम फर्स्ट में आता है। ये देखिए फोटोसिस्टम फर्स्ट में आया और यहाँ से ये फिर वापस इसका प्राइमरी एक्सेप्टर उसके थ्रू एक्सेप्ट कर लिया जाता है। देन फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है और ये इलेक्ट्रॉन फाइनली NADP के द्वारा यहाँ पे एक्सेप्ट किया कर लिया जाता है। NADP जो है NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक तरह का कैसा प्रोसेस है, नॉन साइक्लिक। अगर आपको याद हो तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दो तरह का फोटो फास्फोराइलेशन होता है। फोटो का मीनिंग लाइट, फास्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट का बनना यानी ATP का बनना। लाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ATP का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। नॉन साइक्लिक मतलब आप देखिए इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम सेकंड से चला और फोटोसिस्टम फर्स्ट को गया बट वापस इसी तक लौटकर नहीं आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन कोई साइक्लिक मैनर में मूवमेंट नहीं कर रहा है तो इस तरह का फोटोफास्फोराइलेशन नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन कहलाता है। इसमें मेन बाय प्रोडक्ट क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है और ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज होती है। अब देखिए प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस बाय स्प्लिटिंग H2O, जैसा नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में हमने देखा कि प्लांट्स में H2O जो में जब स्प्लिटिंग होती है तो वहां पर ऑक्सीजन रिलीज होती है। द ऑक्सीजन लिबरेटेड बाय फोटोसिंथेसिस इज मेड फ्रॉम द ऑक्सीजन इन वॉटर। तो आप जानते हैं कि जो ये वॉटर है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, जब इसकी स्प्लिटिंग होती है तो यहाँ पर ऑक्सीजन लिबरेट होती है यानी बाहर निकलती है।